उबैद क्या कर रहा है? घंटी बजा, छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी की भाग भाग। ये देख शाहरुख, ये कौन सा कुआं है? ये गहरा कुआं है। क्या यार, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गोविंदगढ़ फोर्ट और आपको दिखाएंगे वहां पर क्या सीन रहता है। मेरे साथ सभी दोस्त है, उबैद, शाहरुख, बिलाल और आफरीदी। तो वहां पर आपको दिखाते हैं मतलब क्या है उसकी हिस्ट्री और कैसा है वहां का सीन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो गाइस, अभी हमने यहाँ से ऑटो लिया है और ये हमें डायरेक्ट जो है गोविंदगढ़ फोर्ट छोड़ेंगे। और थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, जो है गोविंदगढ़ फोर्ट, ये आपको गोल्डन टेम्पल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अगर आप कभी भी आपके ऊपर आते हो तो वहाँ पर जाना चाहते हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एंट्री साइट। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, पता नहीं कितने की है लेकिन अभी देखते हैं। गाइज, 45 रुपीज़ की टिकट मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर आपको बाहर बहुत बंदे मिलेंगे जो कहेंगे आपको 250 रुपीज़ की टिकट है, लेकिन उनके जासे में नहीं आना है। डायरेक्ट आप काउंटर पे जाइए और वहाँ पर आपको 45 रुपीज़ की टिकट मिलेगी। और अगर आप वो 250 वाली लेते हो टिकट, तो आपको वहाँ पर अंदर जो है मूवी वूवी देखने को मिलेगा। तो अपने हिसाब से लीजिए जो आपको करना है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है इसका स्ट्रक्चर। यह है पंजाब का जो है कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं आगे क्या क्या है। और गाइस, इसका दूसरा नाम जो है भांग्यादा किला भी इसको कहते हैं। और यहाँ से अंदर जाते हैं हम। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पढ़ा है इंटरनेट से। ये जो है 10 फरवरी 2017 तक बंद ही था, आर्मी के अंडर था, लेकिन उसके बाद जो है इसको पब्लिक के लिए खोला गया। तो ये आप देख सकते हैं अंदर इसका म्यूजियम टाइप लगा हुआ है, पगड़ी म्यूजियम। यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है। तो गाइज, ये हमने देख लिया पगड़ी म्यूजियम अंदर। तो अभी मैं थोड़ा आपको इस गोविंदगढ़ फोर्ट जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊंगा। इस फोर्ट को जो है कंस्ट्रक्ट किया था गुज्जर सिंह बांगी ने 1760 में, और फिर इसको महाराजा रंजीत सिंह ने 1805 में जो है रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था यहाँ पर।
उसके बाद जब ब्रिटिश का दौर था यहाँ पर इंडिया में, तो ये उनके कब्ज़े में था, और उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद ये जो है आर्मी के अंडर था, और फिर इसको 10 फरवरी 2017 में इसको जो है पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। तो यही थी हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री। तो चलिए अब आगे चलते हैं। At your own risk. रिस्क पे जो काम किया जाता है उसी में तो किक है यार। वाह क्या बात कही, अब यहाँ से छलांग मारो। यहाँ पर आप कैमल की राइड भी ले सकते हैं। अफरीदी कैमल की राइड लेनी है? हाँ यार लेंगे यार, देखेंगे क्या होगा। बता। हाँ। अभी हम कैमल की राइड लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये चढ़ गए ऊंट पे आथर और शाहरुख। तो गाइस ये हम आ गए हैं ऊंट पे। सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी घूमे ऐसा लग रहा है जैसे किसी मतलब हम वो छत पे है। अरे फिलहाल को जैसे मिला वो गिर गए, अभी भी गिर गए तो भाई खा जाएगा काम है। तू तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम ऊंट पे सफर कर रहे हैं, और रेगिस्तानी इलाका नहीं है। हाँ अमृतसर गोविंदगढ़ किला। कितना मतलब एक महीने का कितना बताया आपने? ये ऊंट है आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए। नहीं मतलब एक महीने का आपने बोला ना, कितना कमाते हो? ये एक घंटे में 25,000 रुपए कमाता है डांस करने वाला। अच्छा एक घंटे में 25,000। इनकी एज कितनी होगी? इसकी उम्र होती है 40 साल। वे क्या सोच है? तक क्या है ये नजर शिकमा और आता शिकमा और लाश रोटी। अच्छा अजाब का संपान चुंगुट कमाई कमाई तेल तीचना ते ती कमाई होता रहा था बस रेवी जी कमा शियन पे वा नापी और डूंगण माग लेते होते बस रेवी जी कमावा रातस। शाहरुख ये कौन सा कुआं है? ये गहरा कुआं है। क्या यार शाहरुख इस कुएं के बारे में कुछ बता, इस कुएं के बारे में। ये उबैद ने बनवाया था और ये यहाँ पर फोटोग्राफी हो रही है। बिलाल आगे सर हाथ मत लगा। हाँ शाहरुख ये क्या है यहाँ पर? इसे तोप कहते हैं लेकिन इसे उड़ाना पड़ेगा पहले। साइड में हटो। ये फोन थोड़ा गर्म हो गया, हम इसको यहाँ पर फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी टाइम। One eternity later. ओ शाहरुख ये भी कोई पोज है? और ये कैसा पोज है? वो दे उबैद क्या कर रहा है? उबैद क्या कर रहा है? घंटी बजा, छुट्टी हो जाएगी भाग भाग। तो यार छुट्टी होगी अब शाहरुख कुछ बता। नरो वसनो चलो नरो नरो नरो। हाँ यार कहाँ से सीखी कश्मीरी? कश्मीरी तो डेनाल रह के सीखी, और सानू पंजाबी होंगी, हिंदी होंगी, उर्दू होंगी, और क्या होंगी? और कुछ नहीं होंगी, बस इतना ही काफी है। और वो देखो साडा चौकीदार उठे खड़ा सी। तनखा कितना लेता है? हमने वापस जाने से पहले सोचा कि यहाँ पर देख लेते हैं इधर से कैसा सीन है। देखिए यहाँ पे अलग ही किस्म का फूल है ये। हम इस पे ये घास है। तो घास है ये। रिसर्च करेंगे कि ये है क्या, किस चीज का बनता है, किस चीज का बनता है। और हमारे साथ बॉडीगार्ड भी है। हाँ बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड आप क्या बोलना चाहते हो इस जगह के बारे में? मैं
अभी हम गाइस वापस जा रहे हैं यहाँ से किला गाजियाबाद नहीं क्यों, क्या नाम है इसका, किला किला क्या, गोविंदगढ़ किला, गोविंदगढ़। हाँ तो यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। शाहरुख कैसा लगा तुम्हें यहाँ का एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा। बहुत अच्छा लगा, और एक कुआ तो हमारे जाने पिछाने निकला, वो उबेद के पापा दादा ने बना रखा था, उसमें शाहरुख नहाता था। शाहरुख हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कश्मीरी होटल पे, और जो मेरा फेवरेट है रिश्ता वो खाने। इसे कोला कहते हैं? हाँ कोला। इसे खाना है या पीना है? दोनों, खाना भी है पीना भी है। अच्छा बाबू टेस्ट है, कैसा टेस्ट है? क्या जल्दी इसमें मजा है, मगर जैसे वो बच्चे खाते हैं ना मिठाई वैसा ही टेस्ट लगा था यार। भाई गाइस आज हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, जो कश्मीरी दुकान है वे बंद है, कश्मीरी शॉप जो कश्मीरी वाजवान है वो बंद है। अभी शाहरुख बहुत परेशान है, बहुत परेशान हूँ मैं कि क्या करें, तो क्या अभी वापस ही चलते हैं हम गाइस। और इसी के साथ जो है आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर लेते हैं, और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी जगह पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, बाय।